बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से गोश्त का सालन। इस तरकारी में हमने जो स्पेशल मसाला बनाया है उसकी वजह से इसकी ग्रेवी बहुत ही लज्जतदार बनती है। नॉर्मल तरीके से तो मटन का सालन हम बनाते ही रहते हैं, आज इस नए तरीके से गोश्त का सालन बनाकर देखें। तो चलिए स्पेशल ग्रेवी वाला सालन कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम मटन को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है, इसे हमने अच्छे से धो लिया है। कुकर में डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के मुताबिक, और यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर लिया है, ये डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। मटन में सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे बॉईल करने के लिए। तो दो ग्लास पानी को गरम करके लिया है मैंने, ये डाल देती हूँ। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम। और 7 से 8 कुकर की सीटियां लेकर मटन जहां तक अच्छे से गल जाता है वहां तक मटन को गला लेते हैं हम। यहाँ पर कुकर में 7 से 8 सीटियां हो चुकी है। अब कुकर को साइड में कर देते हैं और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं हम। अब इस सालन का एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे हम, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस सालन में। तो हमने यहाँ पर देखिए ये साइज का छोटा टुकड़ा हमने नारियल का लिया है, सूखा नारियल है, ड्राई कोकोनट बोलते हैं। तो इतना हमने बारीक बारीक काट कर ले लिया है। आपके पास कोकोनट का पाउडर हो तो वो भी ले सकते हो। यहाँ पर 6 से 7 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जो सूखी वाली आती है, इससे कलर बढ़िया आता है। लेकिन आपके पास जो नॉर्मल सूखी लाल मिर्च हो तो वो भी ले सकते हो। 2 चम्मच भर के मैंने अखा धनिया लिया है, सूखा वाला अखा धनिया। और यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा गरम मसाला लिया है, इसमें लिया है मैंने एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, और 12 से 15 काली मिर्च ली है, 2 हरी इलायची ली है, और आधा वादिया का फूल लिया है मैंने, और एक छोटा टुकड़ा दगड़ फूल का लिया है। इन सब चीजों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसी से हमारे सालन में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आने वाला है। तो चलिए ये सभी चीजों को हम भून लेते हैं थोड़ा सा। ये मसालों को भूनने के लिए हमें एक लोहे का तवा चाहिए। ये लोहे के तवे पे जब हम मसाले को भून कर लेंगे तो उसी की वजह से जो गाँव के मसाले होते हैं उसी का टेस्ट आएगा। तो नॉनस्टिक पैन वगैरह नहीं लेना है, ऐसा लोहे का तवा हो आपके पास तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये प्याज को सबसे पहले हम डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए 2 से 3 कतरे ही मैंने तेल के डाले, बहुत ज्यादा इसमें हमें तेल नहीं डालना है। ये प्याज में जब सौंधा सा टेस्ट आता है ना, ये भुन जाती है तो जबरदस्त सा टेस्ट आता है हमारी ग्रेवी में। ये देखिए प्याज को इसी तरह से हमें चम्मच चलाते हुए भून लेना है अच्छी तरह से। प्याज में थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए वहां तक हम प्याज को भून लेंगे चलाते हुए। ये देखिए प्याज भून चुकी है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आज बिल्कुल गांव की स्टाइल के सालन की रेसिपी दे रही हूँ मैं आपके साथ, जिस तरह से चूल्हे पर बनता है ना गांव में, बस उसी तरह से हम बनाएंगे। अब इसमें सूखा खोपरा डाल देते हैं। इस सभी मसालों को हम एक एक करके भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भून पाए, क्योंकि किसी मसाले को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है। सूखे नारियल को भी अच्छी तरह से भून लिया है मैंने, देखिए ये हल्का गोल्डन कलर आ गया है, इसे भी निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। अब इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तो ये मिर्ची को भून लेते हैं हम। मिर्ची बहुत ही फटाफट हो जाती है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, मिर्ची जले नहीं। अब ये जो हमने अखा धनिया लिया ये डाल देते हैं, और साथ ही में ये सूखे गरम मसाले लिए ये भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखी है मैंने और धीमी आंच पर ये मसालों को अच्छे से भूनेंगे हम। माशाल्लाह ये देखिए मसाला हमारा हो चुका है, इसमें से खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, इसे भी निकाल लेते हैं हम। ये मसालों को ठंडा होने देंगे, उसके बाद मिक्सर जार में 2 से 3 चम्मच पानी डालकर हमें पीसकर इसका पेस्ट तैयार करना है। तो साथ ही में इसमें कुछ हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ मैं, तो 4 से 5 हरी मिर्चें ले लिए मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया भी ले लिया है।
इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये मसालों को हम ठंडा होने देते हैं, फिर मिक्सर जार में पीस लेते हैं। ये देखिए मसाले को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो। इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं, माशाल्लाह। और ये मसाले में से खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। तो ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब मटन को भी चेक कर लेते हैं हम। कुकर का भी सारा प्रेशर निकल चुका है, मटन को चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। तो देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे साइड में रखते हैं और इसका मसाला बना लेते हैं। हमने जो मसाला तैयार किया है तो उसे बघार लेते हैं हम। गैस पे एक पतीली रखी है, उसमें मैं आधा कप मूंगफली का तेल ले रही हूँ। इससे खुशबू बहुत बढ़िया आती है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हो। तेल गर्म हो चुका है, इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक चम्मच हमने गोश्त को बॉईल करते टाइम पर डाला था, तभी एक चम्मच डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो हमने पहले भी मिर्चे लिए तो देखकर डाले, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च, तेल और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। तो देखिए मसाला थोड़ा सा भून चुका है। अब ये जो मटन का स्टॉक है, ये स्टॉक थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। मटन में से जो स्टॉक बचता है उसे आप चाहे तो अलग सूप के तौर पर पी भी सकते हो, बहुत ही हेल्दी सूप होता है वो। दो से तीन मिनट के लिए अच्छी तरह से ये मसाले को हम भून लेते हैं। दो से तीन मिनट हो गए, ये देखिए ये मसाला भी हमारा भून चुका है। अब जो हमने सभी मसालों का पेस्ट तैयार किया था, ये मसाला डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, दो से तीन चम्मच, ताकि मसाला वेस्ट ना हो हमारा। और बस दो से तीन मिनट के लिए ये मसालों को हमें भूनना है, क्योंकि पहले ही हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से भून कर लिया है। तो गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम दो से तीन मिनट के लिए ये मसालों को फिर से भून लेते हैं। तीन से चार मिनट हो गए, फिर से मैंने ये मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखा है, ये डाल देते हैं स्टॉक के साथ ही। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो आप जैसा खाना पसंद करते हो, ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हो तो पानी नहीं डालना है, और रसे वाला खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप पानी डाल के इसकी थिकनेस को अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने आधा ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे चेक कर लेती हूँ मैं, और नमक कम लगेगा तो वो हिसाब से हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो मुझे नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ यहाँ पर मैं। मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पर हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पकने देते हैं। तो इस तरह से थाली को हम आधा ही ढकेंगे ताकि तेल इसमें से उड़े नहीं। 5 से 7 मिनट हो गए सालन में धीमी आंच पर जोश आते हुए। ये देखिए अच्छी तरह से सालन हमारा पक चुका है और इसकी ग्रेवी भी देख सकते हो आप कि कितनी बढ़िया है। गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी रखी है मैंने थोड़ी सी। अब इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और गर्मा गर्म इसे हम सर्व कर लेंगे। तो ये मजेदार से देसी स्टाइल हमारा मटन का सालन बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ, गेहूं की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, पाव के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हो। बहुत ही मजे का लगता है, क्योंकि जो मसाला हमने रेडी किया है वो बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं हम।